Hello everybody, how are you all? Good evening Nitesh. Good evening Pankaj. आज कुछ प्रॉब्लम आ रही थी जिस वजह से मतलब मेरा जो कैमरा है लाइव क्लास के लिए वो कैच नहीं कर रहा था। आप लोग एक मिनट वेट करेंगे प्लीज, मैं आ रहा हूँ, होल्ड पे रहिएगा ना। सॉरी एवरीबडी, एक्चुअली कोई अर्जेंट कोई आ गया था तो मैं मैनेज नहीं कर पाया। मुझे लगा कि मैं उनको मना कर दूं, क्या करूं, सॉरी, आप लोगों को वेट करना पड़ा। चलिए, इतनी देर में खैर बच्चे जुड़ गए हैं तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। आज हम मॉडल्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले थे। ओके, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। आज का टारगेट ये है कि आपके नंबर 15 में से कम 15 तो आने ही चाहिए। चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास। यू डैश नॉट वरी, यू डैश नॉट
worry. Options are dare, need, should, must. सुनने में देखने में तो क्वेश्चन कठिन नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक और आंसर आपके पास. अभी वॉइस आ रही है, क्लियर आ रही है सभी को? नीड, 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 बिल्कुल सही. इसका आंसर नीड ही होगा. यू नीड नॉट वरी. गुड, चलिए बढ़िया है. क्वेश्चन नंबर वन का आंसर है बी. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डैश शी कम माय प्लेस. हाउ डैश शी कम टू माय प्लेस. ऑप्शंस आर मस्ट, नीड, डेयर और ओट टू. बताइए. गुड इवनिंग एवरीबडी. सभी को मैं विश नहीं कर पाया था, सभी ने गुड इवनिंग किया था. उस वक्त कोई था तो मैं नहीं रिप्लाई कर पाया. आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं. चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. हाउ डैश शी कम टू माई प्लेस. बन जाना चाहिए आंसर तो. आई होप सो. ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए. डेयर आ गया सभी का आंसर. चलिए, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर टू का आंसर है सी. हाउ डेयर शी कम माई प्लेस. उसकी हिम्मत कैसी हुई यहां आने की. हाउ डेयर. यू डैश डैश गो टू डॉक्टर as you are ill, as you are ill. Must, need, dare, ought to. बताइए. गलत तो किसी का भी नहीं होना चाहिए.
क्लियर नहीं दिख रहा है वैशाली, मेरी ख्याल से उसका थोड़ा सा अपने मोबाइल के क्वालिटी को इम्प्रूव करो, वीडियो क्वालिटी को। आप शायद 144 पे देख रहे हो तो उसको 240 कर लीजिए, दिखने लगेगा। और अगले क्वेश्चन को मैं थोड़ा बड़ा भी लिख दूंगा तो दिखने लगेगा प्रॉपर। इसमें लिखा है यू डैश गो टू डॉक्टर एज यू आर इल, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि आपकी तबीयत खराब है। मस्ट नीड डेयर ओ टू, चार ऑप्शन। चलिए तो सभी का आंसर आ गया है, मैं भी ये लिख दूंगा क्योंकि उसने बताया ही है भैया तुम्हारी तबीयत खराब है तुम डॉक्टर के पास चले जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ए, और अगर आपने सभी ने ए लगाया तो आपको मिलेंगे एक और नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ही डैश सम मनी, ही डैश सम मनी, ऑप्शंस आर नीड, डेयर, मस्ट और टू। ठीक, लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये जो ऑप्शन लिखे हैं ये सही नहीं, ये गलत है आंसर। एक्चुअल में नीड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ही मॉडल की तरह आंसर नहीं आएगा पर मेन वर्ब की तरह आएगा आंसर। इसका नीड की जगह नीड्स होना चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअल में इसका आंसर क्या होना चाहिए था, नीड्स। लिखा नीड है, आपने लगाया भी सही है, पर एक्चुअल में इसका आंसर नीड्स होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए, तो इट शुड नॉट बी नीड, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मॉडल वर्ब तब काम करता है जब नीड नॉट हो या फिर इंट्रोगेटिव में नीड काम करता है ना। तो आंसर नीड नहीं होगा, आंसर इसका नीड्स होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ही डैश टू प्ले हॉकी बिफोर हिज जॉब, मतलब जॉब लगने के पहले हॉकी खेलता था बंदा, ऐसा पता चल रहा है। ऑप्शंस आर यूज्ड, ओट, मस्ट, डेयर। ऐसे क्वेश्चन है, मतलब मैं क्या बोलूं, मुझे तो खुद ऐसा लग रहा है मैंने इतना आसान सा क्वेश्चन दे दिया है, कुछ ज्यादा ही आसान हो गया मुझे लग रहा है ये। चलिए तो आंसर नोट कर लेते हैं, आंसर तो लिखिए लें। ही यूज्ड टू, इतना इजी क्वेश्चन। चलिए ज्यादा ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बन रहे हैं इसलिए इजी लग रहे हैं। डू दे डैश सम मनी, क्या मीनिंग से ही आप आंसर निकाल पा रहे हो ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। यूज्ड टू, नीड,
नहीं, अभी मैं कोई कठिन क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं आएगा, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन चलेंगे, डोंट वरी। आज मैं चाहता हूँ सभी के 15 नंबर आए, आज मेरी क्लास के सब टॉपर होंगे, पूरा पूरी की पूरी क्लास टॉपर बनने की आज मैं ये सोच रहा हूँ कि आज आप सब टॉपर हो जाएंगे, टॉपर ही बनाना है। आंसर इज बी, डू दे। इस बार नीडी आएगा क्योंकि डू डस डिड के साथ वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म पे होती है, इसलिए इस बार नीड आएगा, नीड्स की जरूरत नहीं है, पिछले क्वेश्चन में था नीड्स, इस बार नीड ही होगा। ये सिक्स्थ क्वेश्चन था तो मुझे पता नहीं, शायद कोई भी मिस कर गया होगा, फिफ्थ का या सिक्स्थ का आंसर शायद फिर देख लेना कंफर्म। बताइए बताइए फाइनल। एक क्वेश्चन शायद कौन सा है मुझे देखना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर बी है शायद, क्वेश्चन नंबर सेवन मैंने मिस किया, एक आध आंसर आप मैच कर लेना। ही डैश टू पे यू द लोन दैट ओज यू, बिल्कुल सही बात है, उसने कहा मस्ट आएगा, ऐसे आंसर गलत लग रहे हैं, नहीं लग तो सही रहा है ना, आंसर मस्ट ही भैया, आपने जो लोन लिया वो तो आपको चुकाना ही पड़ेगा, लोन अगर आपने कहीं से लिया है ही मस्ट, सॉरी हाँ बिल्कुल सही बोला नीतीश आपने, वहां टू नहीं आएगा, वो गलती से लिखा हुआ था, टू नहीं आएगा, वेरी करेक्ट, टू मैंने हटा दिया, तो मस्ट आएगा क्योंकि आपने जो लोन लिया वो तो आपको चुकाना ही पड़ेगा, यू मस्ट पे द लोन, तो वो मस्ट ही आएगा, वो टू नहीं लिखा था, गलती से वहां पे टू आ गया था, मैंने इसको ठीक कर दिया है, आई होप आप लोग एक मार्क्स ले लीजिए, मस्ट आपने लिखा है, और अगर टू लिखा होता तो यूज टू वाला ऑप्शन वैसे भी नहीं आता, नीड डियर के साथ टू लगता भी नहीं, बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड नीतीश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर सेवन हो गए है ना, ठीक,
चलिए बताइए, यस फटाफट, आई डैश टू बी अ क्लर्क बट नाउ आई एम एन ऑफिसर। I used to, क्या आंसर होगा? I used to be an officer, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सभी का आंसर है B और B is the correct answer, used to ही होगा क्योंकि उसने बताया कि मैं पहले एक क्लर्क हुआ करता था, मैं पहले एक क्लर्क हुआ करता था लेकिन अब मैं एक ऑफिसर हूं, दैट इज अ थिंग, उसका आंसर हो गया used to, गुड। बताइए, वॉट कैन नॉट बी क्योर्ड, जो क्योर नहीं किया जा सकता, डैश बी एंड्योर्ड। आपके आंसर आ जाए फिर मैं समझा देता हूं। जो क्योर नहीं किया जा सकता तो फिर एंड्योर किया जाता है, एंड्योर का मतलब होता है फिर उसको सिर्फ झेला जा सकता है, जिसकी जिसकी जिसको क्योर नहीं कर सकते तो फिर आप उसे सिर्फ झेल सकते हो, ठीक है। तो व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, इसका आंसर क्या होगा? मस्ट, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, ये कहावत भी है। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ए। हाँ, huh.
जो इसका मीनिंग समझ में नहीं आया वैशाली, मैंने बताया व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। मतलब मान लेते हैं अगर किसी को कोई चोट लग गई, डॉक्टर ने कहा इसका तो इलाज ही नहीं है, अब बस जीवन भर क्या करना पड़ेगा, उसको सहना पड़ेगा। अगर इसका इलाज नहीं है तो आपको सहना ही पड़ता है फिर, है ना। जैसे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का अपने पास कोई इलाज नहीं है कि उनका क्या करें, जब देखो जब कहीं ना कहीं कोई ना कोई आतंकवादी घटना में उनका नाम आ जाता, तो अब क्या करें, इलाज एक ही है, या तो हमला करके खत्म करो, यही तो फिर क्या करो, सहो। ये उसका मतलब है, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। अगर सुधारा नहीं जा सकता तो झेला जाना चाहिए, और अगर झेल नहीं सकते तो सुधार लो, दो में से एक ही चीज होती है, दैट इज अ थिंग। द डोर डैश पेंटिंग, जो दरवाजा है उसको पेंटिंग की आवश्यकता है, मतलब उसको उसमें पुताई मांग रहा है, वो दरवाजा काफी पुराना सा दिख रहा है। बिल्कुल सही, सभी का आंसर सही आया, उसको आवश्यकता है कि वो पेंट हो ना, तो डोर नीड्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ए, अगर आपने लगाया ए तो आपका आंसर है सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए, वी डैश डिफेंड अवर बॉर्डर्स, चलिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ लोगों के आंसर आ चुके हैं। एक दो और आंसर आ जाए फटाफट तो फिर मैं आंसर समझा दूं। वैसे आंसर मस्ट ही आने वाला है, सभी ने मस्ट लिखा है, मैं भी वही लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है डी, कि हमें हमारे देश के जो बॉर्डर्स हैं, देश की सीमा में जो भी बॉर्डर्स हैं, उनको डिफेंड तो करना हमारा ही काम है, तो डिफेंड तो करना ही पड़ेगा ना, वरना दूसरे देश के लोग हमारे देश पे तो हमला ही कर देंगे। तो डिफेंड करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की भी बात आती है, और हमें करना ही है, ये कंपल्शन भी है, हमारी मजबूरी भी है। इसीलिए इसका आंसर जो होगा, वी मस्ट डिफेंड अवर बॉर्डर्स। चलिए, ही डैश नॉट गो सो अर्ली, ही डैश नॉट गो सो अर्ली, ही डैश नॉट गो सो अर्ली।
देखते हैं, समय बच जाएगा तो 20 क्वेश्चन भी कर लेंगे। क्या कहते हैं, मस्ट भी आ सकता है क्या, डेयर आएगा? हाँ चलिए, तो आंसर बता दूं मैं, है ना। कुछ लोगों के आंसर, कुछ अभी आंसर आए नहीं है, जरा वेट कर लेते हैं। अभी आंसर कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 8 आंसर आए, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। मस्ट और डेयर में ही मेल लड़ाई है, या तो मस्ट आएगा या डेयर आएगा, ये दोनों तो नहीं है। चलो तो समझा देता हूं फिर आंसर, अब इसका आंसर डेयर ही है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है डी। देखो कुछ लोगों ने मस्ट भी कहा है, पर मैं ये नहीं कहूंगा मस्ट नहीं हो सकता। सुनने वाली बात, समझने वाली बात, इसका आंसर मस्ट क्यों नहीं है, इसका आंसर डेयर क्यों है, जबकि दोनों ही फिट हो रहे हैं आंसर। भाई मस्ट नॉट गो अर्ली, वह जल्दी नहीं जा सकता, ही डेयर नॉट सो गो अर्ली, उसको इतनी जल्दी जाने की हिम्मत नहीं है। अब इतनी जल्दी मस्ट अगर मैं लगा रहा हूं, सपोज अगर मैं मस्ट लगा रहा हूं, तो मेरे पास क्या है, कुछ ऐसा एक एक, एक मस्ट लगाने के लिए ना बहुत ताकत चाहिए सेंटेंस में, क्योंकि मस्ट जो है वो हाई किसी भी चीज के हाई फॉर्म को दिखा रहा है, चाहे वो हाई कंपल्शन हो, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो, सॉरी स्ट्रॉन्ग कंपल्शन हो, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट हो, किसी भी चीज को करने के लिए उसमें फोर्स चाहिए। अब उसने कहा वो इतनी जल्दी नहीं जा सकता, तो आगे हमें कुछ मिल जाए, वो डरपोक है, ऐसा है, मतलब कुछ पावर मिलना चाहिए सेंटेंस को। इस सेंटेंस को उसने इतना स्ट्रॉन्गली नहीं बोला है, लेकिन वह इतनी जल्दी नहीं जा सकता मान लेते हैं, वो इतनी जल्दी नहीं जा सकता, उसमें हिम्मत नहीं होगी, हो सकता है, क्योंकि इसके लिए तो स्ट्रॉन्गनेस चाहिए। यहाँ पे ought to used to आंसर है नहीं। अब आपको डेयर के एंगल से इस बात को सोचना है कि यार वो इतनी जल्दी तो नहीं जा सकता, इतनी हिम्मत तो नहीं है। मान लेते हैं कि सिचुएशन यही बनी कि बॉस बैठे हैं, लड़के ने कहा कि मैं तो चला जाऊंगा, बॉस बैठे हैं तो बैठे रहने दो। अब बॉस ने कहा इतनी हिम्मत तो नहीं है कि सब स्टाफ बैठा और ये चला जाए, मतलब लाइक ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से आपको एजम्पशन लेना पड़ रहा है, क्योंकि मस्ट में चाहिए स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाले सेंटेंस। अब यहाँ पे क्योंकि स्ट्रेंथ आया ही नहीं किसी सेंटेंस में, दैट इज अ रीजन इसके लिए आंसर जो है वो डेयर है। मतलब मस्ट की चांसेस बन रहे थे, मैं ये बोलूंगा काफी हद तक मस्ट इसका आंसर आ सकता था, लेकिन मस्ट नहीं आ सकता था, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक पावर की, स्ट्रेंथ की कमी है इस वाक्य में, और मस्ट को लाने के लिए हमें ताकत की रिक्वायरमेंट थी। तो सेंटेंस कुछ लिखना चाहिए था, इतने से छोटा सेंटेंस नहीं, कुछ एक स्ट्रॉन्ग मीनिंग, स्ट्रॉन्ग रीजन उसको शो कर देना चाहिए था, क्योंकि उसने शो नहीं किया, इसलिए हम मस्ट नहीं ले रहे। वरना ये दोनों आंसर कोई कमी नहीं है, दोनों आंसर अपनी जगह बिल्कुल सही है।
मान लेते हैं 19 और 20 का ही डिफरेंस था, आंसर गलत नहीं थे, दोनों अपनी अपनी जगह सही आंसर है, लेकिन जो कुछ कमियों की वजह से, कुछ कमियों की वजह से हमको इस आंसर को हटाना पड़ा, पर यह आंसर हो सकता था। चलिए तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश यू फेस हिम, मस्ट नीड डेयर ओ टू। हाँ, अब जैसे मैंने आज अभी इस क्वेश्चन के लिए मैंने काफी एक्सप्लेनेशन दिया, इसी तरीके के एक्सप्लेनेशन सुनते 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 आइडिया डेवलप हो जाएगा, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन था, ये वाकई एक अच्छा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को देखो, लॉजिक पकड़ में आ गया तो तुरंत आंसर मिल जाएगा, सिर्फ लॉजिक का खेल है इस क्वेश्चन में। नहीं नहीं इस बार तो मैं बड़े फॉन्ट लिख रहा हूँ, थोड़ा सा बड़े लिख दूंगा, अगली बार और बड़ा साइज कर दूंगा। फाइनल आंसर, आप लोगों के आंसर नहीं आ रहे हैं, खाली बातें चल रही हैं। ओके ठीक, तो उस तुम में हिम्मत नहीं है कि तुम उसका सामना कर सको, क्या तुम में हिम्मत है, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या तुम में हिम्मत है उसका सामना करने की, क्योंकि सामना करने की बात आ रही है। डेयर यानी स्ट्रेंथ, पावर चाहिए, हिम्मत चाहिए, और हिम्मत किससे दिखाएगा, डेयर से दिखाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है सी, बिल्कुल सही।
बताइए आंसर ही दीजिए, बात करने की अभी ज्यादा जरूरत नहीं है, पेपर निकल जाए फिर बात करेंगे। अगर टॉप नहीं किया तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, आज 15 में से 15 नंबर चाहिए। चलिए, यू आर क्वाइट वेल आंसर, ठीक है, तो यू आर क्वाइट वेल, तुम तो काफी हद तक ठीक हो, मतलब बीमार नहीं हो, तुम्हें अस्पताल जाने की क्या जरूरत है, तो यू नीड नॉट, तो यू नीड नॉट गो टू हॉस्पिटल, आपको, वेरी गुड, बाउंड्री पे नहीं, अपन को लाना ही है। वेरी गुड, तो 14 का आंसर क्या था, मैं नीड वाला ऑप्शन बी था, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है बी। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, आज देखते हैं 15 कितने लोगों के आएंगे, आज मुझे ये जानना है, 15 चाहिए, 15 क्या कहते हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं 15, हाउ मेनी, कितने 15 मिलेंगे, 13 लोग दिख रहे हैं, चलो 2-3 लोग लेट भी आए होंगे, तो नहीं कोई और करनी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आने वाला है, 15 मैं चाहता हूं कम से कम 10 नाम आने चाहिए, कम से कम 10 नाम होने चाहिए 15 के लिए, ठीक है, चलो
मैं वेट करूंगा सभी के आंसर का, उसके बाद ही मैं कुछ बोलूंगा। चलिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं नहीं सिंपल है। इसका आंसर है डेयर। क्या तुम में हिम्मत है सच बोलने की? क्या बोला उसने? क्या तुम में हिम्मत है सच बोलने की? तो डेयर यू, हिम्मत है। डेयर यू से इट इज ट्रू, हिम्मत है ये बोलने की कि ये सच है। तो इसका आंसर होगा डेयर, बिल्कुल सही। तो अब देखना है कि 15 में से 15 कितने लोगों के आए। 15 out of 15, मुझे चाहिए कम से कम 10 नाम, 10, क्योंकि आज मैं 10 का टारगेट लेके चल रहा था। 10, वेरी गुड संदीप जी, 15, दीपक 15, नितेश, संदीप, दीपक, बहुत बढ़िया, बेस्ट परफॉर्मेंस, नितेश वेरी गुड, मुस्कान वेरी गुड, नीरज, वैशाली, विशाली आपके कम हो गए बेटा, 3 क्वेश्चन गलत हो गए, 3 कैसे गलत हो गए। महेंद्र, कोई बात नहीं नीरज जी, मैं समझ गया हूँ आप लेट आए थे, आखिरी 2 क्वेश्चन अटेंड किए। तो 1, 2, 3, 4, 5 मेरे टारगेट से 50% लोगों के 15 आए, चलो ठीक है। हालांकि मैं खुश नहीं हूं पर ठीक है, 5-10 का टारगेट था, 50% ही हुआ, बच्चे कम हो गए। पहले तो बच्चे ज्यादा थे, मेरा टारगेट था 10 लोग के तो होंगे। पंकज, पंकज ने अपना नाम नहीं भेजा, पंकज वेरी गुड। हाँ, इन लोगों के एक भी रॉन्ग नहीं हुए इसलिए इनके 15 आ गए, ऐसा इन्होंने मुझे बताया और मैंने तो सभी की बात मानता हूँ। वैसे मुझे यकीन है कि इनके सभी के 15 आए हैं, सभी के आए होंगे, गलत नहीं हुए होंगे, नो डाउट। आपके पास 1 या 2 नंबर कट गए हैं, थोड़ा सा देख लेंगे आगे चल के आपकी, क्योंकि ये लोग वैशाली बहुत, जब से मैंने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की है 1 अप्रैल से, ये लोग तब से लगातार पढ़ रहे हैं हर बैच में, और अभी अभी आपने आना शुरू किया ना, तो अभी क्या हो रहा है कि एक जेलिंग भी नहीं बन पाई है, और अभी बहुत दिन से क्योंकि आपने उतनी प्रैक्टिस नहीं की होगी, पर यस 1-2-4 दिन कंटिन्यू करने के बाद जब आप कंटिन्यू जाओगी ना 15-20 दिन की क्लास, आपको इतना आइडिया हो जाएगा, फिर गलत नहीं होंगे मार्क्स, आई होप सो। तो सभी की मेहनत है, तो फिर भी मेरे पास 6 नाम है और 6 और आज कुछ लोग हैं भी नहीं जो बिल्कुल 100% मार्क्स और ला सकते थे, पर ठीक है। एनीवेज, तो व्यापम ने एग्जाम कैंसिल कर दिया है इस साल के, पता नहीं, मैंने तो ऐसा सुना नहीं। अगर व्यापम एग्जाम क्यों कैंसिल करेगा, पीएससी के एग्जाम तो हो रहे हैं, तो पीएससी वालों को डर नहीं है तो क्या व्यापम वालों को ही डर लग रहा है केवल? पीएससी वालों को भी डरना चाहिए, पीएससी के भी एग्जाम फिर कैंसिल हो जाएंगे फिर तो। स्कूल कॉलेज के एग्जाम मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि सर इस तरीके से क्यों कर रहे हैं ये हमारे मामा जी अभी। हालांकि ऐसी मेरे पास कोई ऑथेंटिक खबर नहीं है तो मैं इसमें कोई पुष्टि या कोई बात नहीं करूंगा जब तक कि ये बात क्लियर ना हो जाए। कोई बात नहीं वैशाली, कीप इट अप,
नंबर कम आए तो इसके लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी और मेहनत की जरूरत है, आप थोड़ा और मेहनत कर लीजिए, कंटिन्यूटी बना के रख लीजिए क्लास में, क्योंकि मैं बहुत सारे इन लोगों ने तो बहुत सारे पैटर्न पढ़ लिए हैं, आर्टिकल एडजेक्टिव, एक एक अभी 10-15 दिन पहले मैं तीन तीन बार तीन लाइव क्लासेस ले रहा था, जब भी मैं कुछ दिन पहले इंदौर में था तो मैं तीन बार लाइव क्लासेस लेता था, मॉर्निंग में, दिन में, रात शाम को, सभी लोग पूरे टाइम पूरे न्यूज़पेपर में आया है। अच्छा, तो मुझे एक बार आप उसकी कटिंग भेज देना, मैंने देखा नहीं है। ठीक है, तो एनीवेज आज की क्लास बहुत सुखद रही, अंत अच्छा रहा, मुझे पास 6 टॉपर आ गए, कुछ लोगों के जरूर एक दो नंबर कम हुए, लेकिन ठीक है, और मेहनत करेंगे। ठीक है, सरकार सिर्फ ये कोशिश कर रही है कि अंत में जब चुनाव आए तो बहुत सारी वैकेंसी निकाल दें, शायद कुछ इस प्लानिंग में हो मे बी, ताकि सब लोग भूल जाएं कि 4 साल तक क्या हुआ उनके साथ और फिर सिर्फ वोट मिल जाएं। नहीं, यहाँ का भी सेशन अच्छा होगा, अभी धीरे धीरे मैं टाइम बनाऊंगा, अभी मैं इधर पे क्या एकदम से काम बढ़ा मेरे पास भोपाल आके, तो यहाँ पे भी मैं सेशन करूंगा, मैं तो लाइव क्लास ऑफलाइन ऑनलाइन सब एक साथ करने के मूड में हूँ, थोड़ा सा सेटअप और इम्प्रूव हो जाए, हमारी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड हो जाए, उसके बाद फिर ये क्लास बहुत अच्छी होगी, अपना डिजिटल बोर्ड होगा अपन उसमें पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, साउंड वाउंड सब अच्छा हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है, हर चीज़ धीरे धीरे ग्रो होने में टाइम लगती है, पर अपने को भी टाइम लग रहा है, पर वो दिन दूर नहीं है, आप सबका साथ है, आप सबका इतना अच्छा सपोर्ट है, इतने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो अपन आगे बढ़ेंगे क्यों नहीं, और मेरा एक ही सपना है कि मैं जितने बच्चों को पढ़ाऊं सारे टॉपर बन जाएं, एक भी फेल ना हो, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट मार्क्स निकले, बस मैं तो यही चाह रहा हूं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यही समाप्त करेंगे, आज की क्लास को यही समाप्त करेंगे, और गुड नाइट, टेक केयर, कल फिर से मिलेंगे अपने टाइम पर मॉडल की एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए, टेक केयर एवरीबॉडी, गुड नाइट, गुड नाइट।